जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है आपके लिए भैया? वीडियो है, देखो, राजस्थान में जो अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसको लेकर के खबर आई है, उस खबर को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बस आप बने रहिएगा लास्ट तक। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार आप ही का चैनल है साथियों। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है, जाकर के इसको दबा दो। इसको दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, राजस्थान स्कूल चपरासी पियोन भर्ती 2023 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसके अखबार में न्यूज है। उस कटिंग को मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से देख लेना, और उसमें जो बात लिखी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में, शॉर्ट रूप में बता देता हूं आपको। इसमें पदों की संख्या 18,000 दे रखी है, ठीक है साहब। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जल्द जारी किया जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन जो इसका है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष, और छूट की बात यह है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से फिर आप छूट वगैरह का देख लेना उसमें, ठीक है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25,859 पद मंजूर हैं, यानी कि मंजूर तो कितने हैं, 25,859 पद मंजूर हैं, जो अपनी सरकारी स्कूलें होती हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद होते हैं, जिसमें अपने घंटी उंटी लगा देना, पानी वाणी पौधों में डाल देना, गुरुजनों को पिलाना, ये छोटे मोटे काम, ऑफिस के काम होते हैं, ये काम रहते हैं इनके। और वैसे भी अब तो सरकारी में ज्यादातर काम तो लड़के ही, बच्चे ही, बच्चियां वो ही कर देती हैं, समझ रहे हो, वो तो आराम से अपना ऑफिस लेवल का ही काम करते हैं, जो गुरुजी उनको बताते हैं वो रजिस्टर का काम ये कर देते हैं बस, और बाकी काम कुछ भी नहीं है। बाकी पूरा का पूरा आदमी बढ़िया तरीके से फ्री मैन रहता है वहां पे, ना तो पढ़ाने का झंझट कि भाई आपको क्लास लेनी है, पढ़ाना है, पीरियड लेना है, कुछ नहीं है भाई, आराम से बैठे रहो, कोई छोटा मोटा काम हो तो वो कर लो, नहीं तो आराम करो, ये काम रहता है। बहुत ही शानदार नौकरी है भाई साहब, बहुत बढ़िया नौकरी है। रिक्त पद कितने हैं, 18,381 दिखा रखे हैं। अभी वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिली है, जैसे ही मंजूरी मिलेगी तुरंत आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और जो भी इसके रिलेटेड जो भी खबर आएगी तुरंत प्रभाव से आपके साथ हम शेयर कर देंगे। अब देखो, योग्यता की बात करा तो 1999 में तो पांचवी पास और इंटरव्यू था इसमें, भाई उस समय तो कम पढ़े लिखे ही लिया करते थे, पांचवी पास है तो वो भी अरे ले चलो भाई, अपने काम ही क्या है, घंटी उंटी बजा देगा और अपने पौधों में पानी डाल देगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर देगा, यही काम था उस समय। पांच ही पास और इंटरव्यू पूछ लिया करते थे दो चार बात, भाई कैसे क्या करना है बस। लेकिन वर्तमान समय में साथियों, आठवीं और दसवीं पास इसकी योग्यता हो सकती है, और प्लस में एग्जाम की भी संभावना जताई जा रही है कि भाई इसमें परीक्षा होगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है साथियों, आपको भी पता है, भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है हर क्षेत्र में, हर भर्ती में भीड़ मिलती है, तो इसमें सबसे ज्यादा मिलेगी। जैसे अपने नगर पालिका हो गई, तो ये छोटी जो भर्तियां होती है इनमें ये जैसे छोटे पद होते हैं इनमें ज्यादा ही लोग फॉर्म लगाते हैं। अब ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है तो इसमें भी ज्यादा ही भीड़ रहेगी, इस वजह से सरकार ने एग्जाम की संभावना जता रही है। आगे देखो अब नोटिफिकेशन में क्या आता है क्या नहीं आता, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम होगा ना भी हो, समझ रहे हो, एग्जाम ना भी हो, ये तो एक संभावना है, अखबार की कटिंग है। बाकी ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी कि भाई परीक्षा है या नहीं है, क्या योग्यता है क्या नहीं हो, सारी चीजें।
भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है सितंबर के लास्ट सप्ताह तक, ये जारी होने की संभावना बन रही है। अखबार में दे रखा है कि भाई सितंबर के लास्ट सप्ताह में, और अब सितंबर ही चल रहा है तो अपना जो लास्ट सप्ताह आएगा उसमें जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर जारी होता है तो आपके साथ हम तुरंत प्रभाव से इसका नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल होगा वही हम शेयर कर देंगे और आपको सूचना दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब तो ये खबर थी अखबार की जो मैंने आपको बता दी है। अगर भाई आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को कड़ा जूट रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि परीक्षा की संभावना बन रही है। आपको भी पता है इसमें परीक्षा हो सकती है भैया, पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा अब तो। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहना भाई, और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी होगी तत्काल प्रभाव से शेयर कर दी जाएगी। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।